पीपल फार्म ने अपना एक फर्स्ट एड किट प्रिपेयर किया है और आज मैं उस फर्स्ट एड किट में जो मेडिसिन हैं और उनके क्या यूजेस हैं और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट एड किट में सबसे पहली चीज़ आती है ग्लव्स। किसी भी ज़ख्म को साफ करने के लिए या आप किसी भी एनिमल से जब भी डील कर रहे होते हैं तो ये ग्लव्स ज़रूर पहने। फिर उसके बाद बारी आती है कॉटन की। घाव को साफ करने के लिए इसका यूज़ होता है। ये हमारे पास है बीटाडीन लिक्विड। ये एंटीसेप्टिक लिक्विड है। ये आप घाव को रेगुलरली क्लीन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग के बाद आपको घाव पे ये एंटीबायोटिक पाउडर है जिसका नाम न्यूस्पोरिन है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसका इन्फेक्शन और ज़्यादा ना फैले। फिर साथ ही साथ आप कुछ स्प्रेज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई फ्यूरेशियस एनिमल है तो आप टॉपिक्योर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं ताकि आप दूर से ही अप्लाई कर सकें। हमें मैगट वुंड्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं तो उस पे हम ये मेगासाइट लिक्विड अप्लाई कर सकते हैं। ये मेगासाइट लिक्विड एक हर्बल प्रिपरेशन है और आप जैसे ही इसको मैगट वुंड पे अप्लाई करेंगे आपने कुछ टाइम तक इस लिक्विड को उस वुंड के अंदर रखना है और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो मैगट्स हैं अपने आप ही डेड होके बाहर आ रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है मेलोनेक्स। ये एक पेन किलर है। ये एक ओरल सस्पेंशन है। ये स्पेशली छोटे पप्स या छोटे एनिमल्स के लिए है और ये लिक्विड फॉर्म में आता है और इसके अंदर आपको साथ में एक सिरिंज भी प्रोवाइड की जाती है सो दैट आपको ये सस्पेंशन पिलाने में कोई परेशानी ना हो। ये मेलोनेक्स टैबलेट है। ये एज अ पेन किलर यूज़ हो सकता है और ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी यूज़ होता है। ये हमारे पास प्लास्टिक फोर्सेप है। आप डेड टिश्यूज़ को या मैगट्स को आप इसकी मदद से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमने मेगासाइट अप्लाई किया था। मेगासाइट अप्लाई करने के बाद उस घाव को आपने इस गॉज बैंडेज से पूरी तरह से कवर कर देना है। कवर करने से ऐसा होगा कि ये जो मेगासाइट लिक्विड है वो काफ़ी समय तक घाव के कॉन्टैक्ट में रहेगा और जितना ज़्यादा ये कॉन्टैक्ट में रहेगा उतने ज़्यादा और उतनी जल्दी मैगट्स बाहर आएंगे। फिर हमारे पास एक ऑइंटमेंट है जिसको हम लोरेक्सिन बोलते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट भी है और आप इसको मैगट वुंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस फर्स्ट एड किट में ये सिरिंज भी है। आप इस सिरिंज का यूज़ मेगासाइट को डालने के लिए या बीटाडीन सॉल्यूशन को अप्लाई करने के लिए भी कर सकते हैं। इस फर्स्ट एड बॉक्स को ध्यान रहे आप किसी ठंडी जगह पर रखें जहाँ का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री से कम ही हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिन पे सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। एनिमल्स को ट्रीट करते वक्त आप अपनी सेफ्टी का भी ज़रूर ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है इस फर्स्ट एड किट के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।